ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने 3 साल पहले हत्या कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ को जानकारी मिली कि दीवा में 3 साल पहले 27 वर्षीय खुशबू का हत्यारा इम्तियाज कुरला के राजबली दुबे चाल में है, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने उसे कुरला से गिरफ्तार किया। दरअसल इम्तियाज का दीवा के केजी कॉम्प्लेक्स में रहने वाली खुशबू के साथ अनैतिक संबंध थे, जिसकी वजह से इम्तियाज का खुशबू के घर आना जाना था, जबकि खुशबू शादीशुदा थी और उसके एक बच्चा भी था। खुशबू के पति काम पर जाने के बाद ही इम्तियाज उसके घर आता था, मगर ये मामला तब बिगड़ गया जब इम्तियाज खुशबू के पति से तलाक लेकर खुशबू से शादी करना चाहा, मगर खुशबू ने इनकार कर दिया। इम्तियाज ने खुशबू के सीने पर बैठकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 20/3/16 को एक ईडी दाखिल हुई थी, उसमें मयत खुशबू सचिन मिश्रा ये औरत थी, उसकी डेथ हुई थी। डेथ के बाद में उसका PM किया गया था, वो एक्सीडेंटल डेथ के इन्वेस्टिगेशन मुंब्रा पुलिस स्टेशन में चालू था। उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आने के बाद में पता चला कि उसका गला दबा के और उसको कॉम्प्रेस करके उसकी छाती दबा के उसका मर्डर किया हुआ है। उस हिसाब से हमने आगे इन्वेस्टिगेशन किया वो केस में, और हमारे दीवा के DP के API सिरसागर PI सिरसागर साहब और उनकी टीम ने ये इम्तियाज खान करके एक लड़का था, उसका ये औरत के साथ उसका संबंध था, वो बाकी उसका रिलेशन इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त हुआ, उसके ऊपर से हमने उसको अरेस्ट किया हुआ है। उसने कबूल किया कि उसने वो औरत का मर्डर किया, यानी ये वो उसको शादी करना चाहता था लेकिन वो शादी करने को नहीं बोल रही थी, फिर उसके ऊपर से उनका झगड़ा हो गया था उस रात को भी वो उनके इलिसिट रिलेशन हुए थे, उसके बाद में उसका मर्डर हो चुका था। हमें उसके जो मोबाइल नंबर आया था, मोबाइल नंबर से उसका दूसरा आदमी मोबाइल के नाम था, उसके ऊपर से हमने इन्वेस्टिगेट किया आगे, तो वो मोबाइल नंबर से और इसका ये डिसीज जो है वो जो मयत है उसका जो मोबाइल नंबर है इनका कंटिन्यू कॉल था, उसके ऊपर से हमने उनका संबंध ये किया। फिर आगे तफ्तीश में पता चला कि ये इनका इलिसिट रिलेशन था करके। पहले पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या साबित होने पर पुलिस जांच में खुशबू की कॉल डिटेल के मुताबिक जब जांच हुई तो इम्तियाज की सच्चाई सामने आ गई और 3 साल बाद कुरला से पुलिस ने इम्तियाज को गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।